है। पसंद की बात मैंने बोली नहीं, मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसके मुंह पे बोलते तो बुरी नहीं लगती, पर आपने मुंह पे नहीं बोला, आपने कान में बोला। कान में बोलने से वो चीज जो है गलत पोर्ट्रे हो रही है, लोग उसे गलत सोच रहे हैं। कई सारी वीडियो भी ऐसी आई है कि कृतिका और विशाल का रिलेशन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी जो कृतिका के बारे में वो गलत चीजें आ रही है। मुझे जो फील हो रहा है, क्या आप लोगों को फील नहीं हो रहा? मैं मानती हूँ उसने गलत वे में नहीं बोला, उसने बाद में ये बात बोली मैंने गलत वे में नहीं बोला, लेकिन उसने बात शुरुआत होने से पहले ये बोलता कि मैं गिल्टी हूँ, उसने बोला मैं गिल्टी हूँ। फिर उसने जब उसने बोला कि मुझे कुछ बोलना है, तब लवकेश कटारिया ने बोला कि बोल, उसने बोला कि नहीं यहाँ नहीं बोल सकता, उसने बोला कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। अगर किसी के बारे में आपकी इंटेंशन सही है तो आप मुंह पे बोलोगे, वो चीज जो है बाहर गलत नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप वो चीज उसको ना बोल के किसी और को कान में बोल रहे हो, और उसने ये भी बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे हैं, अब जब वो बात सामने आ गई तो वो बोल रहा है कि मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो बाहर कैसे दिखेगी, ये है वो है, क्योंकि वो बात सामने आ गई, क्योंकि वो बात मैंने स्टेज पे जाके बोल दी, तब उसने वहां पे सॉरी बोला, उसने मम्मी की कसम भी खाई है। मैं मानती हूँ उसने मम्मी की कसम भी खाई है, पर अगर वो खुद से जाके बोलता कि भाभी मैंने ऐसे ऐसे बोला है, तो शायद वो इतना बुरा नहीं लगता, तब हमें लगता कि नहीं नहीं वो अच्छे वे में बोल रहा है, तो मैं इतना गलत नहीं समझती। पर उसने मेरे आने के बाद बोला कि अगर आपको लगता है तो सॉरी, को शर्म नहीं आती गाइज? अगर मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ तो उसमें क्या गलत है, मुझे ये बताइए। अगर आपकी फैमिली के बारे में कोई बोले और जिसको ये पता ही नहीं कि पीछे से ये बात हो रही है, तो अगर मैंने उस बात पे स्टैंड लिया तो क्या गलत लिया है? शिवानी की बात मैंने इसलिए की, मैं गाइज उस बारे में भी बात करना चाहती हूँ, मैंने शिवानी की बात इसलिए की कि कहीं उसको ये ना लगे कि मैं जब वो बिग बॉस के अंदर है मैं पीछे से बात कर रही हूँ कि मैंने क्या बात बाहर बोली, इसीलिए मैंने शिवानी के सामने ये बात बोली ताकि उस तक ये बात पहुंचे कि मैंने उसके बारे में ये बात की है। उसको बाहर आने के बाद ये ना लगे कि भाभी ने ऐसी ऐसी बात बोली है और वो अपना अपने बारे में सोच ना पाए। अब वो ये बातें करेगी, पीछे से ये बातें करेगी, ताकि मैंने इसलिए स्टेज पे ये बात बोली कि शिवानी कहीं भी आपको लगा, मैंने बहुत अच्छे से बात की, शिवानी आपको कहीं भी लगा कि आपकी रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है? अगर उसके बोलने का तरीका अलग हो सकता है तो हमारे बोलने का तरीका अलग क्यों नहीं हो सकता? क्या मैंने गलत प्रोनाउंस किया था कि खाना डाल दे? इसमें क्या गलत था प्लीज आप मुझे बताना, क्योंकि हम हमारे घर में ऐसे बोलते खाना डाल दे, इसमें क्या गलत मैंने बोला वहां पे?